हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है प्रिस्ट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं और इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैसे प्रिस्ट बने और किस लिए उन्हें बनाया गया था और कैसे उन्हें फिर उनके पोजीशन से हटा दिया गया था। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है, वो ग्राउंड की रेडिएशन रीड कर रहा होता है, उसका नाम ओवन रहता है। तभी उसकी वाइफ को दिखाया जाता है और फिर दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी ओवन की बेटी बाहर से आती है। ओवन अपनी बेटी पे गुस्सा होता है कि वो बाहर क्यों गई इतने देर तक। तब दोनों में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। तब लूसी, जो कि उस लड़की का नाम होता है, उसकी माँ काम करती है दोनों को और फिर प्रेयर करने लगते हैं सब। वैसे ही अचानक से टेबल हिलने लगता है। तब ओवन उठकर देखता है विंडो से बाहर, तो पता चलता है कि पिशाच आ रहे हैं उनकी तरफ। तब लूसी की मॉम उसे अंडरग्राउंड छुपने को कहती और ये भी बोलती है कि कुछ भी हो जाए तुम चिल्लाना नहीं। तभी लूसी को सिर्फ आवाज सुनाई देती है उसकी मॉम और डैड की चिल्लाने की। और फिर थोड़े शांत होने पे वैसे ही वो लोग अंडरग्राउंड हैच खोलते हैं और किसी और को देख लूसी वहाँ चिल्लाने लगती है। फिर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ चार दीवारी के अंदर एक सिटी है, वहाँ चर्च हिफाजत करेगा तुम्हारी हर जगह गूंज रहा होता है। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है, उसका नाम प्रिस्ट रहता है और वो चर्च जाता है और कॉन्फेस करता है अपने ड्रीम के बारे में। उसके बाद प्रिस्ट को एक लिफ्ट में दिखाया जाता है, वो अपने फ्लैट यानी घर में आता है। वैसे वो मुड़ के देखता है और वार करके एक आदमी को जमीन पे गिरा देता है। उसके बाद वो आदमी का नाम हिक्स रहता है, वो शरीफ रहता है एक सिटी का और वो प्रिस्ट को बताने आया रहता है वैम्पायर अटैक हुआ है और वो लूसी यानी प्रिस्ट के भाई की बेटी को उठा कर ले गए है। उसके बाद प्रिस्ट को उसके चर्च के हेड से मिलते हुए दिखाया जाता है, वो उसे कहता है मेरी जो पोजीशन है वो मुझे दे दें फिर से क्योंकि वैम्पायर अटैक कर रहे हैं। पर चर्च के हेड ये नहीं मानते हैं और प्रिस्ट गुस्से से वहाँ से चला जाता है और एक ट्रेन को रन होते हुए दिखाया जाता है और उस ट्रेन में लूसी को भी दिखाया जाता है। उसे कुछ वैम्पायर तंग कर रहे होते हैं। तब एक आदमी को भी दिखाया जाता है, वो उन लोगों का बॉस रहता है, उसका नाम ब्लैक हार्ट रहता है। और वो लूसी और ब्लैक हार्ट की बात से पता चलता है कि लूसी को किडनैप प्रिस्ट को अपने पीछे बुलाने के लिए किया गया है। उसके बाद प्रिस्ट को एक आदमी के साथ कहीं बैठे हुए दिखाया जाता है और तभी चर्च के गार्ड प्रिस्ट को लेने के लिए आते हैं। तब प्रिस्ट कहता है उस आदमी से कि इसी दिन के लिए मैंने लड़ाई की थी क्या, और अपना माला तोड़ उन सबको मारता है और वहां से चला जाता है। और फिर प्रिस्ट को लड़ाई के लिए तैयारी करते हुए दिखाया जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट कर दूर रेगिस्तान में जाते हुए दिखाया जाता है और जाकर पहुंचता है अपने उसी भाई के घर में जहां वैम्पायर ने अटैक किया था। और पहुंचने के बाद वहां कुछ छानबीन करता है, तभी वहां हिक्स आता है और वो प्रिस्ट को एक छोटी सी सिटी में ले जाता है। और प्रिस्ट को उसके भाई से मिलते हुए दिखाया जाता है ओवन, जो कि प्रिस्ट से कहता है उसकी बेटी को वापस लाने के लिए और उन लोगों को नहीं छोड़ने के लिए। और फिर दिखाया जाता है प्रिस्ट तैयारी कर रहा होता है और हिक्स भी रिक्वेस्ट कर रहा होता है। थोड़े देर बाद पता चलता है कि प्रिस्ट हिक्स का टेस्ट ले रहा होता है और उसे साथ चलने के लिए मान भी जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चर्च के हेड कुछ और प्रिस्ट को बुलाते हैं प्रिस्ट को पकड़ने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रिस्ट अपने भाई की लास्ट राइट में शामिल होके हिक्स के साथ निकलता है लूसी को ढूंढने के लिए और उन्हें फुटप्रिंट के डायरेक्शन में अपनी बाइक से जाते हुए दिखाया जाता है। और वो एक जगह पहुंचते हैं, उस जगह का नाम नाइट शेड रिजर्वेशन रहता है। वो वहां जाते हैं और देखते हैं वहां कोई नहीं रहता है और एक आदमी जो कि मीट काट रहा होता है और प्रिस्ट से बोलता है तुम यहाँ नहीं आ सकते। प्रिस्ट तब सिचुएशन को संभालते हुए हिक्स उस आदमी से लूसी के बारे में पूछता है, पर वो आदमी कहता है यहाँ नहीं आता है। तब हिक्स और प्रिस्ट एक टनल में जाते हैं और उसी समय सूरज भी ढल रहा होता है।
अंदर टनल में जाते हैं और देखते हैं कि अंधेरा रहता है और एक आदमी कह रहा होता है चले जाओ, मालिक गुस्सा होंगे। तब प्रिस्ट पूछता है लूसी के बारे में, वो एक ट्रट लगाए रहता है, मास्टर गुस्सा होंगे। वैसे ही कुछ लोग आते और हिक्स पे अटैक करते हैं, हिक्स उनमें से एक को मार प्रिस्ट प्रिस्ट बोलते हुए बाहर आता है टनल से। तो बाहर जो आदमी था वो भी अटैक करता है हिक्स पर हिक्स बच जाता है और जब गन निकालता है वैसे ही प्रिस्ट आ जाता है और कहता है अपनी गोलियां बच और उन सबको मार देता है सिवाय एक के। उससे पूछता ही है तब तक सूरज ढल जाता है। तब प्रिस्ट हिक्स को बोलता है तैयार हो जा। वैसे ही टनल में से पिशाच निकल कर आते हैं और प्रिस्ट उन सबको मार देता है पर एक भाग भी जाता है। तब प्रिस्ट उस आदमी से पूछता है अब बताओ, क्योंकि अब यहाँ कोई तुम्हारा मास्टर नहीं है। वो बताता ही रहता है वेस्ट की ओर। वैसे ही वो पिशाच आके उसे मार डालता है। तब प्रिस्ट भी उसके बाद उससे मार देता है और प्रिस्ट और हिक्स वेस्ट की तरफ जाने का फैसला करते और हिक्स को ये भी सिखाता है प्रिस्ट कि कैसे वैम्पायर को मारना है। और फिर ब्लैक हैट को दिखाया जाता है उसे उसी चलती ट्रेन में, उसे वैसे ही उसे खबरी बता रहे होते हैं कि प्रिस्ट उन्हें ढूंढते हुए आ रहा है और फिर वो उसे खबरी का ब्लड पीने लगता है। और फिर लेडी प्रिस्ट को दिखाया जाता है, वो भी वही घर से निकल रही होती है जहाँ वैम्पायर अटैक हुआ था और प्रिस्ट वहाँ से होके गया है। और फिर प्रिस्ट और हिक्स को कहीं वीरान में आराम करते हुए दिखाया जाता है और वहाँ हिक्स और प्रिस्ट लूसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रिस्ट यहाँ तक कहता है कि अगर लूसी भी इन्फेक्टेड हुई तो मैं उसे भी मार दूंगा और वहाँ से चल देता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो वैम्पायर के केव में जाते हैं पता लगाने और प्रिस्ट को उसके पास्ट भी याद आता है, कैसे वो वैम्पायर के ट्रैप में फंसे थे और अपने साथियों को खोया था, उनमें से एक ब्लैक हेड भी रहता है। और फिर हिक्स को कहता है यहीं रहो और जो ऊपर आए मेरे सिवा उसे मार देना और ये बोलते ही कूद जाता है। तभी प्रिस्ट की मुलाकात लेडी प्रिस्ट से होती है और प्रिस्ट उसे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लेडी प्रिस्ट कहती है क्लर्जी नाम का हेड उसने तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। और ये सब भी कहती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि तुमने अपनी शपथ तोड़ दी। तब प्रिस्ट कहता है उन लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। वैसे ही गोली की आवाज आती है तो प्रिस्ट हिक्स की ओर जाता है और देखता है कि एक बड़ा सा पिशाच उस केव की रखवाली कर रहा होता है और हिक्स उसी को मारते रहता है गोली से। और फिर प्रिस्ट उस बड़े से पिशाच को मार देता है और फिर लेडी प्रिस्ट और प्रिस्ट दोनों बात करते हैं कुछ अपने अपने पास्ट के बारे में। और फिर लेडी प्रिस्ट कहती है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाने आई हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ सावधान करने आई हूँ। और फिर उन्हें पिछले बार की तरह टनल में कुछ नया केव बने हुए मिलते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर की आर्मी तैयार हो रही थी। और हिक्स को लेडी प्रिस्ट ये भी बताती है कि लूसी प्रिस्ट की बेटी है। और फिर प्रिस्ट को एक बार जाने का रास्ता मिलता है रेलवे लाइन के बगल से, तब ये समझ जाते हैं कहाँ जाना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किसी सिटी के स्टेशन पे वो पिशाच वाला ट्रेन रुकता है और पूरे सिटी में शिकार स्टार्ट कर देते हैं। और फिर दिखाया जाता है ब्लैक हार्ट को वहाँ सिटी में घूमते हुए, दिखते ही वो प्रिस्ट आते हैं जिसे चर्च ने भेजा होता है और ब्लैक हार्ट और उनमें फाइट होती है। उसके बाद दिखाया जाता है प्रिस्ट और हिक्स और लेडी प्रिस्ट उस सिटी में पहुंचते हैं और उस सिटी के छानबीन करते हैं और उन्हें वहाँ तीन प्रिस्ट लटके हुए मिलते हैं। उसके बाद वो तीन पता लगाते हैं रातों रात पूरी सिटी कैसे गायब हो गई बिना वैम्पायर आर्मी के, यह मुमकिन नहीं। और फिर उन्हें पता चल जाता है कि वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और वो उसी सिटी के तरफ बढ़ रहे हैं जहां से प्रिस्ट आया है। और फिर लूसी और ब्लैक हेड को बात करते हुए दिखाया जाता है, वो एक नाइफ टेबल पे रखी हुई छुपा लेती है और फिर ब्लैक हेड से पूछती है क्या चाहिए तुम्हें। तब ब्लैक हेड कहता है कि वो इस दुनिया को साफ करना चाहता है इंसानों से और इसमें मेरी मदद तुम और प्रिस्ट। और फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि हिक्स लेडी प्रिस्ट से पूछ रहा होता है क्या प्रिस्ट लूसी को मार देगा अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो। और फिर प्रिस्ट को उन तीनों का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ लेडी प्रिस्ट तैयारी कर रही होती है और फिर प्रिस्ट की तरफ आके उसे एक क्रॉस देती है।
और कहती है कि हमें ये याद रखना है, हमें पावर चर्च से नहीं मिलता है, गॉड से मिलता है। और फिर इमोशनल होके वहाँ से चली जाती है और तीनों को ट्रेन के पीछे जाते हुए दिखाया जाता है। और वो उस ट्रेन को अब एक ऊंची जगह से देख पा रहे होते हैं, पर हिग्स प्रिस्ट पे गन तान उसे कहता है कि कहो तुम उसे नहीं मारोगे। तब लेडी प्रिस्ट हिग्स को रोकती है, पर हिग्स गन ताने रहता है। तब प्रिस्ट कहता है अच्छा होगा तुम मुझे मार दो, उसे मारने से अच्छा है। तब हिग्स को फिर पता चलता है कि लूसी प्रिस्ट की बेटी रहती है, पर हिग्स को विश्वास नहीं होता है। तब प्रिस्ट बताता है कि कैसे वो बची थी। तब उसे यानी प्रिस्ट को चर्च वाले ले गए थे और बच्ची को फादर की जरूरत थी तो हमने सेक्रीफाइस किया। तब थोड़ी देर बाद हिग्स गन नीचे कर देता है और प्रिस्ट उसे कह रहा होता है कि हम साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे। और फिर वो तीनों ट्रेन के पीछे जाते हैं। प्रिस्ट और लेडी प्रिस्ट आगे चले जाते हैं और हिग्स पीछे से चढ़ता है और ट्रेन में इंटर करता है और अंदर की ओर जाता है। प्रिस्ट मिडिल में रुक जाता है और लेडी प्रिस्ट ट्रेन से आगे चली जाती है। तभी ट्रेन में से कुछ लोग बाइक के साथ लेडी प्रिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं, पर लेडी प्रिस्ट उन सब को चकमा देते हुए आगे बढ़ जाती है। और फिर हिग्स ट्रेन के अंदर आगे बढ़ता है तो दिखाया जाता है वो अंदर एंट्री लेता है और दूसरी डब्बे में। तब वहाँ पिशाच लटके हुए रहते हैं, वो वहाँ से होकर गुजरता रहता है और प्रिस्ट को ट्रेन चढ़ते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ लेडी प्रिस्ट पटरियों पे बॉम्ब फिट कर रही होती है और फिर ट्रेन के ऊपर प्रिस्ट और ब्लैक हार्ट का सामना होते हुए दिखाया जाता है। और वो अपनी पास्ट के बारे में बात करते हैं और कैसे ब्लैक हार्ट प्रिस्ट से ह्यूमन वैम्पायर बना और फिर प्रिस्ट से बोलता है ज्वाइन कर लो मुझे और वैम्पायर क्वीन का ब्लड एक्सेप्ट कर लो। तब प्रिस्ट मना कर देता है, अपनी बेटी के बारे में पूछता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। तब और ब्लैक हार्ट प्रिस्ट पे भारी पड़ते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ लेडी प्रिस्ट को बॉम्ब सेट करने के बाद उन लोगों से लड़ते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ ब्लैक हैट को प्रिस्ट को मारते हुए दिखाया जाता है और वो फिर से लेडी प्रिस्ट का उन सब को एक एक करके मारते हुए दिखाया जाता है और पर उनमें से एक बॉम्ब वाले मशीन को खड़ा कर देता है। तब लेडी प्रिस्ट अपने बाइक को देखती है और फिर ब्लैक हैट को प्रिस्ट को एक पंच मारते हुए दिखाया जाता है। और फिर जब प्रिस्ट जाके गिरता है दो बॉगियों के बीच में, तब ब्लैक हैट समझता है कि वो मर गया, वहां से चला जाता है। और पर हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेन के नीचे से आगे बढ़ रहा होता है और फिर हिग्स को दिखाया जाता है। तभी उसी बोगी के नीचे से प्रिस्ट फ्लोर तोड़ कर निकलता है और तभी पिशाच भी उनके पीछे वाले बोगी से आते हैं। तभी हिग्स ऊपर की ओर गोली मार बोगी में छेद कर देता है और वो उस लाइट को पार नहीं कर पाते हैं। तब प्रिस्ट और हिग्स आगे वाले बोगी से होते हुए लूसी के पास पहुंचते हैं। वैसे ही वहां ब्लैक हैट फिर आ जाता है और एक किक हिग्स को मार कर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है और प्रिस्ट को मार कर गिरा देता है। और तब लूसी जो नाइफ छुपाए रहती है उसे वो ब्लैक हैट पे अटैक करती है, पर वो उस नाइफ को पकड़ बोलता है तुम भी अपने डैड की तरह फास्ट हो। और तब लूसी को पता चलता है कि प्रिस्ट उसका फादर है और फिर ब्लैक हेड उसे एक हाथ मार बेहोश कर देता है। और फिर वैसे ही प्रिस्ट उठता है मारने के लिए, तब वैसे ही ब्लैक हेड उसे उसी नाइफ से प्रिस्ट को टांग देता है और लूसी को लेकर चला जाता है प्रिस्ट को जलते हुए छोड़। फिर दिखाया जाता है लेडी प्रिस्ट अपने बाइक से ही ट्रेन के सामने जाती है बॉम्ब फिट करके अपने बाइक पे। और जब ब्लैक हेड लूसी को काटने जाता है तभी प्रिस्ट आता है और उसके गले पे उसी क्रॉस को फेंक मारता है और वैसे ही लूसी उसके हाथ से छूट जाती है। तब प्रिस्ट वैसे ही लूसी को पकड़ लेता है। वैसे ही लेडी प्रिस्ट अपने बाइक से ट्रेन के पास पहुंच जाती है। वैसे ही लूसी को लेके प्रिस्ट ट्रेन से कूद जाता है और ब्लैक हेड भी मर जाता है ट्रेन ब्लास्ट में। और सारे बोगी के अंदर पिशाच मरने लगते हैं, कुछ बोगी ट्रेन से अलग हो भी जाते हैं। फिर प्रिस्ट को लूसी को पकड़ कर बैठे हुए दिखाया जाता है और लूसी होश में आती है और वैसे ही हिग्स भी पहुंचता है और दोनों गले मिलते हैं। फिर प्रिस्ट लेडी प्रिस्ट का इंतजार करते रहता है और लेडी प्रिस्ट को आते हुए दिखाया जाता है और फिर प्रिस्ट को चर्च के हेड के सामने जाते हुए दिखाया जाता है और वो वहाँ पिशाच का सर फेंक देता है और चर्च का हेड नहीं मानता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई खत्म हो चुकी है। और प्रिस्ट कहते हुए वहाँ से चल देता है कि नहीं ये तो अभी शुरुआत है, और बाइक से उसे जाते हुए दिखाया जाता है और मूवी का द एंड हो जाता है।